मोहित और आप देख रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप सबको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डैंड्रफ कैसे रिमूव करें, मतलब कि आप अपने डैंड्रफ को कैसे खतें कैसे हटाएं। तो पहली बात तो मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि डैंड्रफ जो अगर एक बार आपके सर के अंदर आ गया और तो ये कभी भी नहीं हटाया जा सकता, कभी भी नहीं हटा सकता। लाइफ टाइम आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से एक भी बंदा ऐसा नहीं है पूरे इंडिया में या जितने भी लोगों को मैंने देखा है, मैं पर्सनली जानता हूँ कि उनके सर के डैंड्रफ ना हो। किसी के सर में ज्यादा डैंड्रफ है तो किसी के सर में कम डैंड्रफ है, लेकिन डैंड्रफ सबके सर में है। तो ये वीडियो उनके लिए जिनके सर में ज्यादा डैंड्रफ है और जिनके सर में कम डैंड्रफ है, दोनों के लिए वीडियो है। मैंने जल्दी वीडियो खत्म करने के लिए आपके सामने ऑलरेडी वो चीज लेकर रख लिया कटोरी के अंदर, जिससे जो हेल्पफुल करती है डैंड्रफ को हटाने के लिए। एक किसके अंदर रखी है मैंने, देखिए वीडियो में दिखाइए, इसके अंदर है खट्टी दही। हमेशा खट्टी होनी चाहिए जो आप सर पे लगाने वाले हैं। ये निचोड़ के रखा है मैंने नींबू का रस। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हमने मिक्स किया, दूसरी कटोरी रख दी, मिक्स करा, फिंगर से कर लिया, चम्मच से कर लिया, हिलाने के बाद क्या करा, इसे बालों में अप्लाई किया। बालों को दिखाओ, वैसे तो पता नहीं मुझे अलाउड है नहीं है, डॉक्टर ने भी कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए मैं अपने प्लांटेड एरिया के अंदर नहीं करूंगा, सिर्फ दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। इसको दही को ले, यहां पर लगाए, यहां पर मतलब आपको यहां पर भी लगाना है, आपको सारी जगह लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, आप ले बालों में और ले ऐसे ऐसे करके लगाए, फिंगर से लगाना है इसको, है ना। लगाने के बाद 10 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट तक पहले मसाज किया, जड़ों तक पहुंचाया, जड़ों में पहुंचाने के बाद 2 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद क्या करा, 10 मिनट के बाद चाहो तो आप इसे ऐसे ही वॉश कर दो, चाहे सोडा होता है ना खाने वाला सोडा उससे लो, उससे धो, फिर उसके बाद शैम्पू करो, या फिर डायरेक्ट इसे लगाने के बाद सीधा शैम्पू से यूज कर लिया। लेकिन मैंने अभी भी सोचा था और बता रहा हूं आपको कि आपको क्या नहीं करना है, कौन से शैम्पू से सर नहीं धोना है, जो बहुत ही ज्यादा बेकार है डैंड्रफ के लिए। आप सब शॉक हो जाएंगे देख के, लेकिन हाँ मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। मैं 3-4 डब्बी ला चुका हूँ, मुझे लगता था चलो छोड़ो, बाबा जी का तो सही होगा। एक केश क्रांति, एक नंबर के भाई यार, तो घटिया प्रोडक्ट है, बकवास, दिमाग ही खराब हो गया नहीं यूज करके यार। डैंड्रफ घटने की जगह बढ़ गया और बहुत ज्यादा दिमाग। इससे सबसे सही डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है ना, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा डैंड्रफ शैम्पू है पिंक कलर वाला हेड एंड शोल्डर। ओह क्या शैम्पू है, थका पेल डैंड्रफ जाता उससे तो फुल मजा आ जाता है। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, तो मैं जो अपने पर्सनली यूज करता हूँ कौन सा, हेड एंड शोल्डर पिंक कलर वाला। फिर उसके बाद सर धो लेते हैं, चलो मैं धो लूंगा सर 10 मिनट बाद सर, ठीक है। तो उसके बाद मेरा भाई जिसके बहुत ही ज्यादा बाल, जिसके हम दोनों के बाल झड़ना स्टार्ट होते ना एक साथ, जिसने अपना आयुर्वेदिक इलाज करा, उसने पता कौन से तेल लगाए थे। देखो मैं भी अभी लेकर आया हूँ, लेकिन अब क्या, अब तो सब कुछ चला गया, लेकिन अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अच्छा होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एक बार वो जो तेल दिखा देता हूँ कौन कौन से तेल वो यूज करता है, रोज लगाता है वो, रात को लगाता है और दिन में सर वॉश कर लेता है। देखो ये वाले पैराशूट लगाता है वो, ट्रिचेप ऑयल यूज करता है, आलमंड यूज करता है, ये तीनों तेलों को वो तीनों तेल में से मतलब कोई सा भी यूज कर लेता है वो, उसका बेस्ट जो है सबसे बेस्ट वो इसी को मानता है। यहाँ पर उजाला का मारता, मेरी बीवी ने आंखों से चारा कर गया, ऐसे हो जाओ तो ये वाला तेल यूज करता है, ये तेल उसको अभी भी यूज करता है, कम से कम 2 साल से उन्हें चेंज नहीं किया, उससे पहले वो वाला यूज करता था। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये तरीका है डैंड्रफ हटाने का, अगर आपने ये चीज को फॉलो किया तो आपको ये डैंड्रफ कभी नहीं होगा। तो हाँ, और ये दही आपको कितने दिन में लगानी है, हर तीसरे दिन आपको दही लगानी है, तीसरे दिन दही का यूज करना है, रात को ये शैम्पू ये तेल लगाना है, सुबह वॉश कर लेना है, डैंड्रफ पक्का खत्म होगा। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय बाय। रुको, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, घंटा दबाना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि डैंड्रफ की प्रॉब्लम सबके साथ है और सबको ये दूर करनी है। तब तक के लिए बाय बाय।